भारतीय विद्यापीठ स्कूल बैजनाथ की लड़कियों ने मेरिट में आकर प्रदेश भर में बैजनाथ का नाम रोशन किया है। भारतीय विद्यापीठ स्कूल के निदेशक नवनीत डोगरा ने बताया कि स्कूल में हर वर्ष की भांति इस बार भी दो लड़कियों ने मेरिट में स्थान हासिल किया है, जिसमें चारू ने 686 अंक लेकर पांचवां स्थान, आंचल ने 685 अंक लेकर छठवां स्थान हासिल किया है। नवनीत डोगरा ने बताया कि सभी बच्चों को समान पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे काफी मेहनती होते हैं। इसका सारा श्रेय इन छात्रों, अभिभावकों तथा मेहनती अध्यापकों के योगदान का नतीजा है। उन्होंने बच्चों को इस उपलब्धि पर अभिभावकों तथा स्कूल अध्यापकों को बधाई दी तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। सबसे पहले तो सारे बैजनाथ के लोगों को और बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। जहाँ तक मैरिट आने की बात है, तो लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि ये सारे का सारा श्रेय केवल जो डेडिकेटेड फैकल्टी है उसी को ये सारा श्रेय जाता है। हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं इन बच्चों के पीछे। हर चीज़ जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम लगा के उनके बच्चों के डाउट्स क्लियर करवाते हैं। एग्जामिनेशन में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका एक तरीका है कि 100 पेपर किसी इन्विजिलेटर के पास चेक होने के लिए जाएंगे तो उसमें से 5 या 6 पेपर अलग दिखने चाहिए, तो वो एक कला इनको सिखाई जाती है और उसके कारण इन बच्चों को फिर इस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट होता है। पांचवें स्थान पर रही चारू ने बताया कि वे IIT परीक्षा पास कर इंजीनियर बनना चाहती हैं। चारू ने कहा कि स्कूल की पढ़ाई के बाद घर में भी उतना ही समय वे पढ़ाई को देती हैं। मैं रोज का काम रोज करती थी, रेगुलर स्टडी और मीन्स रोज का 5 आवर स्टडी करती थी। क्या आपने इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग भी ली हुई है? नहीं, स्कूल में जो पढ़ाई करते हुए से आगे घर पढ़ते उसी को घर में रिवाइज करती थी। आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे मुझे IIT इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है IIT के थ्रू।